हेलो दोस्तों, आज हम आपको सीमेंस कॉन्टिनेंटल इंजेक्टर के बारे में बताएंगे। ये रैपिड का इंजेक्टर है। तो दोस्तों, हमने इसे कोई खुला हुआ है तो आपको इसका पूरा सामान दिखाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी स्पैंडल है, ये इसका कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल कैप है, कंट्रोल वाल स्प्रिंग और बोल है जो इसके साथ में रहता है। ये कंट्रोल वाल के नीचे की कैप है, गाइड बॉस। ये हमारा सोलोनाइट में जो लगता है पिस्टन है। ये हमारी बॉडी है, ये इसमें नोजल है, नोजल नंबर है इसका। देख सकते हो दोस्तों, ये पी 162 इसका डिग्री है, नोजल नंबर है 10 128। इसका नंबर है 10 128। तो दोस्तों, आज इसकी फिटिंग के बारे में बताएंगे हम आपको। ये हमारा डिस्टेंट पीस है, स्टैंड पीस के नीचे ये होलो बोल्ट होता है, प्रेशर बोल्ट। ये इसमें नोजल की स्प्रिंग वार्सल है, नोजल वार्सल, ये इसका स्प्रिंग है। तो दोस्तों, आज हम इसके फिटिंग के बारे में बताएंगे। आज हम आपको इसके फिटिंग के बारे में बताएंगे कि ये कैसे फिट होगा, और इसकी टेस्टिंग दोनों चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो कर दे प्लीज़। और ऐसी वीडियो हम और भी आपको बताते रहेंगे। देखो दोस्तों, ये इसका कैप है, ये सबसे पहले नीचे की तरफ जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने इसको बिठा दिया है। फिर उसके बाद इसमें हमारा दोस्तों स्प्रिंग और अपना कंट्रोल वाल का पिन ये लगेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमने बिठा दिया है। तो इसमें थोड़ी प्ले स्प्रिंग है तो थोड़ा जंप करना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसका वाल डालेंगे। तो दोस्तों, ये इसका जो ये हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहेगा। इसमें तो देख लेना, चाल होनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने इसको बिठा दिया है। अब इसका हम चक नट इस पे लगाएंगे। इसका चक नट लगाने के बाद इसकी ये गोटी है, तो दोस्तों हम इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। देख सकते हैं इसको ज़्यादा नहीं टाइट करना है, इसे सिर्फ जो अपना है 20 से
25 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क लगाना है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर सोलेनोइड अपना पिस्टन डालेंगे। ये दोस्तों पिस्टन है, पिस्टन लगा दिया है, इसमें जंप होना चाहिए। ठीक है, जंप है। अब हम इसमें एयर गैप सिम डालेंगे। अब दोस्तों इसका जो सोलेनोइड है उसको हम लगा देंगे। इसमें टॉर्क इतना लगाना है कि जो ये इंजेक्टर फायर करे, ज़्यादा टॉर्क नहीं लगता इसमें, 30 से 35 का टॉर्क इसमें देना है। हमारे पे इसका टॉर्क नहीं है, गोटी नहीं है, तो हम इसे चाबी से टाइट कर देंगे। और दोस्तों जब ये फायर करेगा तो हम इसकी सेटिंग मशीन पे करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, अब हम इसमें इसकी पिन डालेंगे। पिन फ्री होनी चाहिए। अब इसके नीचे इस बार्सल आएगी, फिर इसके बाद ये स्प्रिंग आएगा, फिर इसमें होलो बोल्ट लगेगा, प्रेशर बोल्ट बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद ये डिस्टेंट पीस है। तो दोस्तों इसमें एरो बना होता है, तो ये हमारा जो कट है ये अपना बैक साइड आएगा, ये देख सकते हैं। तो हम इसको अब ये इसकी नोजल है, तो हम इसकी नोजल डालेंगे। नोजल फ्री होनी चाहिए, जाम नहीं होनी। तो दोस्तों अब इसकी हम नोजल लगाएंगे। और ये कैप नट, हेलो दोस्तों, अब हम इसको 45 का टॉर्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा इंजेक्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग की वीडियो आपको दूसरे लिंक में दिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इंजेक्टर लगाया, सीमेंस कॉन्टिनेंटल सीमेंस का। तो ये इंजेक्टर अभी फायर नहीं कर रहा है, तो हम इसकी सेटिंग करेंगे।
दोस्तों देख सकते हैं हमारा इंजेक्टर फायर करने लग गया है। तो इस पे दोस्तों हमारा इंजेक्टर पूरी तरह से फायर कर रहा है। अब हम इसको फ्लोमीटर पे चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इंजेक्टर पूरी तरह से स्प्रे भी कर रहा है और हमारा जो स्प्रे और सोलेनोइड का रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों देख सकते हैं इंजेक्टर की रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।